वेलकम टू बीइंग ह्यूमन आर्मी। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल बिज़नेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और आज उसी से एक रिलेटेड वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मैं ट्रेड फेयर, जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स लगती हैं, जिसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, जैसे लाइक हैंडीक्राफ्ट आइटम हुआ, हार्ड गुड्स हुआ या सॉफ्ट गुड्स हुआ, तो उसमें तरह तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट के स्टॉल्स होते हैं, और अलग अलग देशों से जो सप्लायर्स होते हैं और प्लस बायर्स होते हैं, उनकी एक मीटिंग, एक प्लेस होता है जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं और बायर्स उनके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, जिससे कि वो ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लस जो नए सप्लायर, नए बायर मिलते हैं। तो पहली फेयर जो अभी चल रही है, जो कल शुरू हुई है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है, ये फ्रैंकफर्ट में लगती है, मैसी फ्रैंकफर्ट एम्बियंते के नाम से लगती है, ये फ्रैंकफर्ट की फेयर है, जहाँ पर आपको तो जहाँ आपको काफ़ी सारे जो आपके हार्ड गुड्स होता है, हार्ड गुड जो नॉर्मली एल्युमिनियम, ब्रास वगैरह जो आपका चलता है, फर्नीचर रहा या डेकोरेटिव और अदर आइटम्स, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फेयर है। अगर मुरादाबाद के प्रोस्पेक्टिस से मैं बात करूँ, तो ये जो चल रही है अभी इस वक्त करंट में फेयर चल रही है, ये 8 से 12 फरवरी तक रहेगी, ये यानी कि कल शुरू हुई है और 12 फरवरी तक वो रहेगी 2019 की, तो फ्रैंकफर्ट एम्बियंते ये फेयर होती है। फिर इसका ही मैंने कुछ आपको दिखाया है, देखिए ये इसका, अगर आप इसकी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट देख सकते हैं, मैंने वैसे आपको इसका सर्च बार में दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसका लिंक दिखा रखा है येलो कलर में, ये आप एक सेकेंड जी, इसके अंदर ये मैंने आपको दिखा रखा है इसका लिंक, अगर आप इसको वेबसाइट पे सर्च करना चाहते हैं तो आप कर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए ये 8 से 12 इसके अंदर भी दिखा रखा है, फरवरी की फेयर है, अभी चल रही है रिसेंटली। अब वही चीज़ मैं आपसे दोबारा कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, और वैल्यूबल वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहेंगी, जिससे कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और काफ़ी सारी नई चीज़ें आपको सीखने की मिलेगी बीइंग ह्यूमन आर्मी के थ्रू। तो बीइंग ह्यूमन आर्मी के थ्रू हम, वही हमारी कोशिश है कि आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन देते रहे, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आपको एक सहायता प्रदान करें, ठीक। देखिएगा यही मैंने लिया है, ये वेबसाइट से ही आप देख सकते हैं ये, तो इसके अंदर कई सारे, देखिए आप फर्नीचर का आर्टिकल्स देख सकते हैं और पेंडेंट्स वगैरह, लैंप्स वगैरह की रेंज है पूरी, तो इस तरह के ये बायर सेलर की मीट है। देखिए तो ये आपका एम्बियंते फेयर के फोटोग्राफ्स हैं, और ये देखिए ये ट्रेज बॉल्स वगैरह, ये सब इस तरह के स्टॉल्स वगैरह वहाँ लगाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है अगर बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड से मुताबिक, तो यहाँ पर कई सारे आपके यूरोपियंस बायर, इवन बायर्स तक के स्टॉल होते हैं, यहाँ पर सेलर्स के तो होते ही हैं, एक्सपोर्टर्स के तो होते ही हैं, इवन जो वहाँ के बायर्स हैं वो भी अपने स्टॉल लगाते हैं यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फेयर है, तकरीबन हर साल मुरादाबाद से 150 के लमसम जो एक्सपोर्टर हैं मुरादाबाद के, वो फेयर लगाते हैं यहाँ पर। अब एक इम्पॉर्टेंट फेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर जो इंडिया में लगती है, उसकी बात करेंगे जो अब शुरू होने वाली है। देखिए ये लगती है आपकी EPCH लगाता है, ये ग्रेटर नोएडा में लगती है, एक्सपो मार्ट में, तो पहले एक्सपो मार्ट था, अब उन्होंने और उसको एक्सटेंड कर रखा है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर अब हॉल्स वगैरह बना दिए गए हैं, तो इवन जो छोटे छोटे एक्सपोर्टर या छोटे छोटे सप्लायर्स होते हैं, वो अपनी जो स्टॉल लगाते हैं इसके अंदर, तो काफ़ी बड़ी तादाद में बायर्स आते हैं। ये देखिए लगाते हैं EPCH, एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसलिंग फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये EPCH वाले लगवाते हैं, और इसके जो नॉर्मली कई सारी फेयर्स लगती हैं इसमें, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो 4 फेयर इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। पहली जो फेयर लगती है, देखिए यहाँ पर देखिए आप, एक स्प्रिंग फेयर लगती है यहाँ पर, वो रहती है आपके फरवरी के मंथ में, जो कि अब चल रही है और शुरू होने वाली है, सॉरी। देखिए आप नीचे देख सकते हैं, ये शुरू होगी आपकी, ये देखिए 18 से 22, जैसी ही आपकी एम्बियंते ख़त्म होगी, एम्बियंते जो फ्रैंकफर्ट की फेयर है, फिर ये फेयर शुरू होगी, 18 से 22 फरवरी है ये। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो जाइए, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने के लिए, किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, किस तरह से जो एग्जीबिशन लगाई जाती है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन का एक आपको लुक मिलेगा, और किस तरह से बायर और सेलर की मीट होती है, तो आप देख सकते हैं उसमें जाके। अगर पासिस की प्रॉब्लम है तो पासिस में आप परेशान ना हो, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एक वेल मैनर्ड कपड़े पहनकर जाइए, और जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन पे अगर आप बोलेंगे उससे कि भाई हमें नॉर्मली जाना है एग्जीबिशन में, तो वो वन डे आपको इनवाइटी का पास
अलाउ कर देते हैं, तो वन डे आप उसके अंदर घूम सकते हैं। वन डे में हालांकि घूम नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, काफ़ी बड़ा है वो, लेकिन आप जा सकते हैं उसके अंदर, देख सकते हैं, पास की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको बता दिया, ये बहुत रेयर इन्फॉर्मेशन होती है जो सबको नहीं होती पता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही इसका, ये ऊपर से इसका व्यू है, ये एक्समार्ट है, एक्समार्ट जहाँ फेयर लगती है वो इसका लुक है, और ये इस तरह से फेयर यहाँ भी लगती है, ये जैसे कि फ्रैंकफर्ट में लगती है, और ये इसी तरह के स्टॉल्स यहाँ भी बने होते हैं, तो काफ़ी अच्छी फेयर्स है, सॉरी फेयर है। तो ये इन फेयर्स के बारे में बात कर रहा था मैं आपसे, ये ट्रेड फेयर्स होती हैं। इवन इंडिया में कई जगह ट्रेड फेयर्स लगती हैं, हर एक, अगर मैं बात करूँ हर एक सूबा मीन्स हर एक स्टेट में फेयर लगती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कहीं भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको इतनी पता होना चाहिए कि कौन सी जगह आपके प्रोडक्ट बिक सकते हैं, कहाँ आपको अच्छे बायर्स मिल जाएंगे। ठीक, जैसे सॉरी जैसे आपको मुंबई, मुंबई में फेयर लगती है, वो भी एक, अगर आप कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ, तो वहाँ पर बहुत अच्छी फेयर है। अभी वो गुजरी है फेयर, इवन जनवरी स्टार्टिंग जनवरी में वो फेयर थी, तो वो गुजरी है। देखिए ये इस तरह के फ़ोटो हैं, ये यहाँ पर देखिए मुरादाबाद से रिलेटेड ही प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया, वरना तो हर एक का आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे आपको मिलेंगे यहाँ पर। बहुत ही बड़े तबके पर यहाँ पर बायर और सेलर की मीट होती है, आप जाइए देखिए। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए ट्रेड फेयर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, मैं और भी फेयर्स की आपको डिटेल्स दे दूँगा। और मैंने इसके अंदर EPCH का भी इवेंट आपको दिखा रखा है, देखिए ये EPCH की वेबसाइट पर आप गो थ्रू हो जाइए देखिए, और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी वहाँ से और भी कई सारी। देखिए ये EPCH का भी मैंने यहाँ पर आपको दे रखा है लिंक, तो ये आप इसको वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। और भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं डिफरेंट इंटरनेशनल फेयर्स की आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बींग ह्यूमन आर्मी, दिस वॉज अली साइनिंग ऑफ।